नमस्ते, आज मैं बना रही हूँ शक्कर पोंगल। हम लोग का इधर इसको शक्कर पोंगल बोलते हैं, मतलब मीठा चाय। अभी बनाने का विधि देखते हैं। तो लगाएंगे, कढ़ाई रखेंगे और ये वाटी से आधा वाटी मूंग डाल लिया है। हम इसको फ्राई कर लेंगे और ये एक वाटी चावल लिया है, ये आधा वाटी मूंग दाल, एक वाटी चावल। मूंग दाल को हम अच्छे से फ्राई कर लेते हैं। मूंग दाल लाल होने तक इसको हम फ्राई कर देंगे, मीडियम आंच पर ही हम इसको फ्राई करेंगे। अभी नवरात्रि आ रही है, घट बैठेगा। हम रोज प्रसाद बनाते हैं ना, उसमें से एक प्रसाद हम देवी को बनाएंगे, इसलिए मैं आज शक्कर पोंगल बना रही हूँ। अगर आपके पास कुकर है तो कुकर में भी ये बना सकते। मैं थोड़ा बना रही हूँ, इतना छोटा कुकर मेरे पास नहीं है, बड़ा कुकर है। छोटा कुकर है तो आप कुकर में भी बना सकते हैं। तीन सीटी देने का कुकर में, इसको खुशबू आने तक भूनते हैं, ऐसे मीडियम आंच पर ही भूनते हिलाते रहेंगे, नहीं तो जल जाएगा। मूंग दाल फ्राई हो चुका है, तो बारीक करेंगे और ये चावल भी डाल देते हैं। चावल भी हम इसमें डालेंगे। पांच कप पानी डाला है, वाटी से पांच वाटी पानी डाला है। अभी हम इसको पकने देते हैं ड्राई फ्रूट स्टाफ के लिए। अभी हम इससे गट्टे कढ़ाई को, तो इससे गट्टे स्टोव जला के पकने को ड्राई फ्रूट्स को फ्राई कर लेते हैं। इसमें थोड़ा सा घी डालते हैं। फ्राई हो चुका है, हम इसे निकाल लेते हैं। इसे में एक वाटी पानी डालते हैं। हम इसमें आधा वाटी गुड़ डालते हैं। आधा वाटी गुड़ डाला है, हम इसको पाक बनाते हैं। चावल इस साइड पक रहा है, हिलाते रहेंगे पाक। ये शक्कर पोंगल बोला था, शक्कर डालना पड़ता है। मैं दो तीन तीन चम्मच शक्कर लिया है, पर आपको ज्यादा डालना है तो डाल सकते हैं, मैं कम डाल रही हूँ। मैं मीठा कम बना रही हूँ, और आपको मीठा पसंद है तो डालिए, आपका पसंद का जैसा आप मीठा। अभी हम शक्कर डालते हैं, खुशबू आने तक, अच्छा खुशबू आने तक पकाते हैं। स्टोव को मीडियम करते हैं, पकने देते हैं। पाक आ चुका है और इस साइड में चावल भी पक चुका है। अभी ये इस पर ही लेते हैं और हम इसमें पाक डाल देते। अब इसमें हम ड्राई फ्रूट्स डालेंगे, ड्राई फ्रूट्स डाल के पाक डाल के अच्छे से मिलाएंगे। इसमें हम घी ऐड करेंगे, घी डालेंगे। घी कितना डालेगा उतना अच्छा होता है
साग होता है, आप ज्यादा डालना है तो डालिए, मैं आधा बाटी घी डाल दूंगी। और ये नवरात्रि में देवी को जरूर बनाइए प्रसाद, ये इसको ज्यादा नरम नहीं पकाना है, गलाना नहीं, दाल और चावल को कड़ा ही रखना है, तो खिला खिला ही रखना है। इसको शक्कर पोंगल बोलते हैं हम लोग का भाषा में, तुम तो लोग क्या बोलते हैं बोलिए। इसमें आधा चम्मच इलायची पाउडर डालेंगे, थोड़ा सा केसर डालती है इसमें। शक्कर पोंगल बन चुका है, भगवान का प्रसाद बन चुका है, टोकन कर दिन तक खराब नहीं होएगा, वो बाहर रखेगा तो भी फ्रिज का बाहर रखेगा। और आपको ज्यादा थोड़ा घी अच्छा लगता है तो ज्यादा थोड़ा घी और डालिए, मैं थोड़ा कम डाली हूँ, मीठा तो आप लोग के लिए तो बराबर है। बोल में लिखा है